यदि आपका भी SBI का न्यू ATM कार्ड डेबिट कार्ड आने वाला है या आपका एक्सपायर हो चुका है, अब एक्सपायर होने के बाद आपके पास डेबिट कार्ड कैसे आ सकता है फ्री में घर बैठे ही कैसे ऑर्डर करें, उसका मैंने वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी इस चैनल पे, आप देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में भी दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार तरीकों से कैसे आप अपना ATM का न्यू पिन बना सकते हैं। एक तो ATM मशीन द्वारा, दूसरा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, तीसरा SMS के जरिए और चौथा है IVRS के माध्यम से। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपके घर जब आपको बाई पोस्ट डेबिट कार्ड आता है तो आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का एनवेलोप होता है। अगर आपको इस तरह का एनवेलोप आ गया है और आपका इसमें डेबिट कार्ड है तो आप कैसे पिन बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तरीका जानेंगे हम कैसे ATM मशीन पर जाकर के अपने डेबिट कार्ड को लेकर के आप न्यू ATM पिन जनरेट कर पाएंगे। कैसे ATM पे जाकर के आप नया पिन बनाएंगे, लाइव आपको दिखाएंगे। हमारे एक व्यूअर ने हमें एक वीडियो भेज रखा है जो कि उन्होंने नया पिन बनाया है, तो चलिए ATM की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना ATM डेबिट कार्ड लगा लीजिएगा और फिर जाकर के आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर लीजिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पिन जनरेशन लिखा हुआ है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, 10 अंकों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। फिर क्या करना है, वेट एंड वॉच, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा OTP के रूप में, उसका वेट करना है। ठीक है, अगर ना आए तो ये प्रक्रिया फिर कर दीजिएगा। इस तरह देखिए मैसेज आपको एक निकलेगा, एक पर्ची जिसमें लिखा होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पिन बनाना है और पिन आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। तो मैसेज आ गया है OTP 4 अंकों का, फिर उसी प्रक्रिया के तहत फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपकी बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर चेंज पिन, पिन चेंज पे ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे रहा। ठीक है, फिर ये कोई नंबर डाल देना है रैंडम, वो पूछेगा 10 से 99 के बीच। फिर आपको डालना है इसमें अपना करंट पिन, जो कि आपके मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आया होगा, और OTP जो कि 4 अंकों का होगा, जो कि अक्षरों में लिखा होगा, जैसे 0123 तो JDRO करके लिखा होगा, वो डाल दीजिएगा। नया पिन जो बनाना है वो आपको डाल देना है, फिर एक बार और कंफर्म कर देना नया पिन जो बनाना चाहते हैं। फिर आपका काम कंप्लीट हो गया और आपका पिन बन गया। अब आप चाहे तो बैलेंस चेक कर सकते हैं या तो आप पैसे निकाल सकते हैं। तो आपने भी देखा कि कैसे ATM जाकर के अपना नया पिन बना सकते हैं। अब जानने जा रहे हैं हम लोग इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप कैसे घर बैठे ही अपना न्यू पिन जनरेट कर पाएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो आपको SBI का इंटरनेट बैंकिंग में चले जाना है, लॉगिन कर लेना है, ई सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ATM कार्ड सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन है, ATM पिन जनरेशन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, हम OTP के माध्यम से पिन जनरेट करेंगे। यहाँ पे आपको OTP डालना है, आपके मोबाइल पे गया होगा, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट को। और यदि आपके पास एक कार्ड होगा तो एक कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, दो है तो कोई एक जिसमें पिन जनरेट करना है उसको सिलेक्ट करके जैसे क्लिक करेंगे तुरंत ही आपके सामने 2 अंक का पिन डालने के लिए कहेगा। 2 अंक को आप चूज करेंगे और 2 अंक का पिन जो है आपके मोबाइल पे चला जाएगा, वो 4 अंक इसमें डाल देंगे, 2 आपने जो चूज किया शुरू में वो, और 2 अंक जो आपके मोबाइल पे गया है। जैसे सबमिट करेंगे तुरंत ही आपका न्यू ATM पिन जनरेशन हो जाएगा सक्सेसफुली। इस तरह से आप ATM पिन घर बैठे जनरेट कर पाएंगे। तीसरा तरीका जानते हैं कैसे SMS के जरिए अपना पिन बना पाएंगे। SMS से अपने डेबिट कार्ड का नया पिन जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले लेना है, जो कि आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, और आपको एक मैसेज टाइप करना है, पिन PIN कैपिटल लेटर में तीनों रहेगा, फिर स्पेस देना है। उसके बाद आपको 4 अंकों का अंतिम जो डेबिट कार्ड नंबर है 4 अंकों का वो आपको लिखना है, फिर स्पेस देना है। फिर आपके अपने अकाउंट नंबर का लास्ट का जो 4 डिजिट है वो लिखना है। ये तीनों लिखने के बाद आपको क्या करना है, 567676 पे SMS कर देना है। जैसे ही आप SMS करेंगे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, OTP 2 दिन के वैलिड होगा, उसके बाद फिर आप SBI के ATM में जाएंगे। और मैंने आपको पहला तरीका जो बताया था कि ATM मशीन के पास जाकर के कैसे पिन बनाएं, उस तरह से आप बना सकते हैं। चौथा तरीका है IVRS के माध्यम से। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपके बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उससे आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। टोल फ्री नंबर देख सकते हैं 1800 1234 या 1800 2100 पे कॉल करना होगा। कॉल करेंगे उधर से कंप्यूटर जनरेटेड आवाज आएगी, उसके बाद कार्ड धारक को यानी कि आपको अपने डेबिट कार्ड का लास्ट 5 डिजिट डालना होगा, उसके बाद अकाउंट नंबर का भी लास्ट 5 डिजिट डालना होगा। जैसा कि पिछली बार 4 डिजिट डालना पड़ रहा था, अभी 5 डिजिट डालना है इसमें IVRS में। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस द्वारा, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, फिर OTP यही 2 दिन के वैलिड होगा। फिर आपको उसी तरह SBI के ATM मशीन के पास जाना है, और जो कि मैंने आपको पहला तरीका बताया कि कैसे आप अपना पिन जनरेट कर पाएंगे वैसे कर पाएंगे। फिलहाल आपने देखा आप ही SMS और IVRS के माध्यम से अगर आप OTP जनरेट करते हैं तो आपको ATM मशीन के पास जाना ही जाना है। तो आप पहला या दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही। पहला ATM मशीन के पास जाकर के आप कैसे सारी प्रक्रिया वहीं संपादित कर लीजिए। अगर आप नहीं जाना चाहते ATM मशीन के पास, घर बैठे बैठे ही सारा काम करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही। फिलहाल अगर आपका अभी डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है या हो गया है तो उसे कैसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, ये वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।